नमस्कार, निर्माण आईएएस में आप सबका स्वागत है और आज हम असम और उससे संबंधित तात्कालिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। इसके कुछ इनपुट हमने राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, द हिंदू, पीआईबी, दैनिक जागरण, जनसत्ता से लिए हैं। साथ ही निर्माण आईएएस के भी इसमें कुछ इनपुट शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। असम के इतिहास के बारे में जानते हैं। असम भारत के पूर्व में स्थित है, जो तिब्बत, बर्मी, भारत आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक संस्कृति का संगम है। भारतीय ग्रंथों में इस प्रदेश को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था। पुराणों में इसे कामरूप राज्य की राजधानी बताई गई है। महाभारत काल से लेकर 7वीं सदी के मध्य तक भास्कर वर्मन के शासनकाल तक यहाँ पर एक ही राजवंश का शासन रहा था। कामरूप में 3000 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद पुष्यवर्मन राजा हुआ। पुष्यवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। मध्यकाल में वर्मा के एक विजेता चाउलुंग ने इस पर अधिकार कर लिया था। उसने अहोम वंश की स्थापना की और अहोम वंश के कारण इस राज्य का नाम असम पड़ा। मध्यकाल में मुगलों ने 17 बार आक्रमण किया, परंतु केवल एक बार 2 वर्ष के लिए उन्हें सफलता मिली। 17वीं शताब्दी में मुगलों को पराजित कर उन्हें पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र घाटी से निकाल दिया गया था। ब्रिटिशों के आने तक कोई भी असम साम्राज्य पर कब्जा करने में असफल रहा। असम 1826 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटिश संरक्षण में आया। 1874 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मुख्य आयुक्त के अधीन यह एक प्रांत बना। 1947 में मुस्लिम बहुल सिलहट क्षेत्र का पाकिस्तान में विलय हुआ। इसके वर्तमान संदर्भ को जानते हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी व्यापक विद्रोह का परिणाम थी। आंतरिक अस्थिरता के कारण 10 लाख बांग्लादेशी नागरिकों ने असम में शरण ली। बांग्लादेश बनने के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी वापस चले गए। फिर बहुत से बांग्लादेशी असम में अवैध रूप से रहने लगे। असम के मूल निवासियों द्वारा अवैध अप्रवासियों का विरोध किया गया, क्योंकि असम के नागरिकों में अपनी भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें लगने लगा कि बाहर से आए लोग उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। परिणाम स्वरूप 1978 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गढ़ संग्राम परिषद के नेतृत्व में वहां आंदोलन की शुरुआत हुई। बांग्लादेशियों को वापस भेजने के अलावा आंदोलनकारियों ने 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस भेजे जाने या उन्हें कहीं और बसाने की मांग की। इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन उग्र होता गया और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती गई। 1983 के विधानसभा चुनाव में राज्य की बड़ी आबादी ने मतदान का बहिष्कार किया। इसी दौरान राज्य में आदिवासी, भाषाई और सांप्रदायिक पहचान के नाम पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। असम समझौता क्या है, इसके विषय में जानते हैं। ये समझौता क्यों हुआ, देखते हैं। असम में चले घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन और भीषण हिंसा के बाद 1985 में केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक असम समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान का अधिकार दिया गया। 1961 से 1971 के बीच असम आने वाले लोगों को नागरिकता और अन्य अधिकार मिले, परंतु मतदान का अधिकार नहीं मिला। 25 मार्च 1971 के बाद असम आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को असम से बाहर निकाले जाने का प्रावधान किया गया। इस समझौते के तहत विधानसभा भंग करके 1985 में चुनाव कराए गए। इसके साथ ही असम समझौते के आधार पर मतदान सूची में भी संशोधन किया गया। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या है, जानते हैं। नागरिकों का राष्ट्र रजिस्टर, जिससे सभी भारतीय नागरिकों के पहचान संबंधी विवरण शामिल किया जाना होता है। परंतु देश में असम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां NRC बनाया गया है। इसे नवीनीकरण करने के नियम तथा प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 में दिए गए हैं। केंद्र और राज्य के सम्मिलित प्रयासों के बावजूद नागरिकता संबंधी समस्या का उचित समाधान नहीं हो पाने के कारण 2015 में इससे संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया। अभी दूसरा और आखिरी मसौदा जारी हुआ है, जिससे 40 लाख लोगों में नागरिकता को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।
वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एनआरसी को नवीनीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। बोडोलैंड समस्या और असम समझौते की धारा 6 क्या है, इसके विषय में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में असम की सबसे बड़ी जनजाति बोडो निवास करती है। 1960 के दशक से ही बोडो लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग की जा रही है। 1980 के दशक के बाद बोडो आंदोलन हिंसक हो गया है। बोडो राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन पर अपना वर्चस्व चाहते थे, जो उन्हें 2003 में मिला। इसके बाद बोडो समूह ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा की राजनीति में आने पर सहमति जताई है। असम समझौते की धारा 6 क्या है, देखते हैं। असमियों की सामाजिक, भाषाई पहचान और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय का प्रावधान है। सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति इन प्रावधानों को लागू करने के लिए 1985 से अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा और साथ ही असम समझौते के 35 वर्षों के बाद भी धारा 6 को पूरी तरह से लागू नहीं होने के कारणों की पड़ताल करेगी। देखते हैं आज की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बोडो समुदाय में व्याप्त असंतोष के कारण केंद्र सरकार ने बोडो म्यूजियम सहभाषा व सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। दूसरा, बोडो निवासियों के क्षेत्र से होकर जाने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन का नाम अरोनई एक्सप्रेस रखने की मंजूरी दे दी है। तीसरा, केंद्र सरकार भूमि नीति, स्थानीय समुदायों के रीति रिवाजों, परंपराओं और भाषाई रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के लिए संस्थाओं की स्थापना करेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपर्युक्त सभी। देखते हैं आज की मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है। पश्चिमी देशों में अप्रवासियों की समस्या से उत्पन्न हो रहा आंतरिक असंतोष असम समस्या से किस प्रकार से समानता रखता है? क्या आप सहमत हैं कि शरणार्थी समस्या और आतंकवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। हमारे द्वारा दिए गए लास्ट वीडियो आरक्षण के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न का उत्तर डी है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। हम आशा करते हैं यह मुद्दा आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगा। इस प्रकार के टॉपिक्स हम भविष्य में भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।